हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल यूनिवर्स एडवेंचर हिंदी में। आज मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा ये वीडियो पूरा देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी नया वीडियो लेके आऊँ तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। इसके लिए आप सब्सक्राइब के पास जो नोटिफिकेशन बेल का निशान दिया हुआ है उसको ऑन कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुल्हनों का बाजार, जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ पे बिकती हैं दुल्हनें, एक ऐसे बाजार के बारे में। आमतौर पर हम बाजार अपनी जरूरत की चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या आप यह सोच सकते हैं कि बाजार में दुल्हन भी बिकती हो? हमने बाजार में दुल्हन के लिबास में बिकती गुड़िया देखी हैं, लेकिन जब आपको ये पता चले कि एक ऐसी जगह है जहां जीती जागती लड़कियां दुल्हन के लिबास में बिकती हैं, तो कितना आश्चर्य होगा आपको। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, जहां दुल्हनें बिकती हैं, बोली लगती हैं और लोग दुल्हनों की वाजिब कीमत चुकाकर उन्हें ले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के बुल्गारिया में स्टारा जागोर नामक जगह की, जहाँ पर दुल्हनों का बाजार लगता है। साल में 3 बार दुल्हनों का बाजार सजता है। यहाँ लड़कियाँ अच्छी तरह से तैयार होकर बाजार में आती है। वो बकाया सज धज कर एक दुल्हन की तरह दिखती होती हैं। कई पुश्तों से बुल्गारिया के गरीब लोगों की ओर से यह मेला लगाया जा रहा है। इस मेले में लड़कियां अपने परिवार के साथ आती हैं और बिकती हैं। बुल्गारिया में कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम न होने की वजह से अपनी बेटियों की शादी इस तरह तय करते हैं। इसके लिए वह एक पारिवारिक मिलन समारोह की तरह दुल्हन को तैयार करते हैं और इस मेले में प्रवेश होते हैं। इस बाजार में लड़के के साथ बुजुर्ग आदमी भी आते हैं, जो अपनी पसंद की लड़की से बात करते हैं। लड़की पसंद आने पर लड़के के परिवार वाले लड़की के परिवार वालों को रुपए देते हैं और फिर उनकी बेटी को अपनी बहू बनाकर ले जाते हैं। बुल्गारिया के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे लोग अपनी बेटियों को मेले में लेके जाते हैं और बेचते हैं, और उसके बदले में वे लड़के वालों से कुछ रुपया पैसा ले लेते हैं, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति से बहुत गरीब होते हैं और वह उस रुपए से अपना आर्थिक जीवन यापन करते हैं। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का स्पेशल वीडियो आप सबके लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अतिशीघ्र हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।